ओके, नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर। ठीक है, मैं पता है चार्ज क्या होता है, कैपेसिटेंस क्यू इज इक्वल टू सी वी। ठीक, कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज। ठीक है, तो चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज हुआ, तो हमें निकालना है वर्क डन। क्यों? वर्क डन जो है वो स्टोर्ड होता है एज एनर्जी। ठीक है, जो भी अपने कैपेसिटर्स के अक्रॉस चार्ज वर्क डन हुआ बाय दिस अप्लाइड वोल्टेज, वो क्या होगा, स्टोर हो जाएगा इन द कैपेसिटर एज एनर्जी। ठीक है, सो वर्क डन के लिए हम क्या करते हैं, इस वोल्टेज के फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। ठीक है, वोल्टेज हमें पता है क्या होती थी, वर्क डन चेंज ऑफ वर्क डन विद चार्ज, ये होती थी। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर हम वर्क डन निकालें तो डी डब्ल्यू विल बी वी डी क्यू। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू चार्ज आपको देता था पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हमने वर्क डन के लिए, स्मॉल वर्क डन के लिए अपना फॉर्मूला बनाया। ठीक है, इसको इक्वेशन वन दे देते हैं। उसके बाद आप इस वी को चेंज कर दें अगर हम किससे, इस फॉर्मूले में, सॉरी, इस फॉर्मूले में क्यू इज इक्वल टू क्या है, सी वी, और अगर मुझे यहाँ पर चाहिए क्या वी, तो मैं क्या लिखूँगी, क्यू अपॉन सी, राइट। बस स्विच कर देते हैं इसे वर्क डन में। ठीक है, वी क्या बन जाएगा, क्यू अपॉन सी डी क्यू, राइट। अब मुझे टोटल वर्क डन अगर निकालना है, मान लो जीरो चार्ज से सम चार्ज क्यू तक गई मैं, ठीक है, इतना मैंने चार्ज प्रोवाइड करा, तो टोटल वर्क डन कितना बना उसके लिए, तो टोटल वर्क डन डी डब्ल्यू विल बी, जीरो से स्टार्ट करा सपोज और टोटल वर्क डन डब्ल्यू बना, ठीक है, इज इक्वल टू वन ओवर सी। देखो कैपेसिटेंस चेंज नहीं होने वाली, वो सेम रहती है, तो इसके लिए वन ओवर सी बाहर ले लिया, कॉन्स्टेंट है, जीरो से क्यू तक क्यू डी क्यू, राइट। तो वर्क डन टोटल डब्ल्यू बिकम्स वन ओवर सी क्यू डी क्यू, इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन टू, राइट। फिर जीरो से क्यू तक जब आप करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा वन बाय टू सी क्यू स्क्वायर। ठीक है, बनेगा, तो ये आपके पास क्या आ गया, वर्क डन वन ओवर टू सी इंटू क्यू स्क्वायर, विच इज स्टोर्ड एज एनर्जी इन द कैपेसिटर। ठीक है ना, ये एनर्जी स्टोर हो जाती है कैपेसिटर के अंदर, फिर आप कैपेसिटर को एज अ वोल्टेज सोर्स किसी और सर्किट में लगाकर ये एनर्जी यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, कैपेसिटर डिस्चार्ज कैसे होता है वो डिपेंड करता है सर्किट के पैरामीटर्स पर, मतलब आपके पास कौन कौन सी चीज़ें सर्किट में हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ सेम फॉर्मूला को हम थोड़ा और मैनिपुलेट कर सकते हैं। वर्क डन क्या निकला हमारे पास, हाफ ऑफ सी क्यू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं क्यू को क्या सी वी डाल दूँ, ठीक है ना, कैपेसिटेंस के फॉर्मूले से चार्ज क्या होता है, सी वी, सो वर्क डन विल बिकम वन ओवर टू सी इंटू सी वी का स्क्वायर। इसको अगर आप ओपन करोगे, वन ओवर टू सी इंटू सी स्क्वायर वी स्क्वायर, देयरफॉर वर्क डन क्या हो गया, वन ओवर टू सी वी स्क्वायर या हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा और क्या चेंज कर सकते हैं, अगर मुझे चाहिए ये सी और वी की टर्म्स में, ठीक है, सी ऑल्सो, अगर आप क्यू इज इक्वल टू सी वी से सी निकालो, जो कि सी क्या होता है, क्यू अपॉन वी, और इसे पुट कर दो इस वर्क डन वाले फॉर्मूला में, तो क्या बनेगा, वन ओवर टू सी की जगह हमने डाल दिया क्यू अपॉन वी इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ ऑफ क्यू अपॉन क्यू इंटू वी। ठीक है, एक और फॉर्मूला बन गया आपके पास,
कि पास्ट टेंस का, ठीक है। तीनों फॉर्मूला एक साथ लिख लेते हैं। वर्क डन विल बी हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर ओवर सी इक्वल टू हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू वी, राइट।